टाटा मोटर 460 रुपया पहला लेवल, टाटा मोटर पहला लेवल 460 रुपया, फिर 510 रुपया दूसरा लेवल। टाटा मोटर एक साल पहले क्या था, आज क्या है और एक साल बाद क्या होगा, हम आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देते हैं दोस्तों जी। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, घबराइए नहीं। अब वीडियो जब शुरू कर देते हैं तो हम बंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस बिना स्क्रिप्ट का हम, मेरा बस सॉफ्टवेयर एक बार देखते हैं उसके बाद चालू करते हैं अपना डायलॉग। वन टेक आर्टिस्ट, आई एम वन टेक आर्टिस्ट, यस। आप समझने वाले समझ रहे हैं, वन टेक आर्टिस्ट किसको बोलते हैं। एक साल पहले 276 रुपया था और आज है आपको 424 रुपया। 276 रुपया एक साल पहले था, आज है 424 रुपया और एक साल बाद होगा, आपको सुन के होश उड़ जाएंगे दोस्तों जी। हाँ, एक साल बाद ये होगा 2000 का टाटा मोटर। अगर आपको नहीं विश्वास है तो एक एक स्टॉक, एक एक शेयर रोज लेते जाइए और जिस प्राइस में लेते हैं, अगर उस प्राइस से जिस दिन भी कभी भी गिरावट आती है, लो में जाता है, तो उस दिन फिर खरीद लीजिए और 2025 तक, एक साल के बाद तो 2000 होगा लेकिन 2025 के बाद आप सोचे भी नहीं होंगे कि टाटा मोटर आपको क्या रिटर्निंग देगा। दोस्तों हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, पहली बार आए इंटरडेटिक मुंबई के चैनल पर तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और टाटा मोटर के बारे में 100% निश्चिंत हो जाइए, सोचना बंद कर दीजिए, लेते रहिए स्टॉक और अपने गोदाम में भरते रहिए। और जब आप देखेंगे दोस्तों, आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, आप ईस्ट इंडिया में जब जाएंगे, ईस्ट इंडिया मतलब होगा कि असम के जो असम, त्रिपुरा, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, ये जितने भी स्टेट हैं, छोटा नागालैंड, छोटा मणिपुर, ये छोटा छोटा स्टेट है, सिर्फ आलू और प्याज, बटाटा और कांदा, पोटैटो एंड ओनियन बेचकर, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक एक टाइम ऐसा आता है और वहाँ पे क्या है कि बहुत कम प्रोडक्शन होती है खेती की, आलू प्याज की बहुत ज़्यादा, बटाटा कांदा ओनियन पोटैटो की। और जो आढ़तियाँ हैं, जो बड़े स्टॉक होल्डर हैं, जो होलसेलर जिसको बोलते हैं, वो डिपेंड किस पे हैं, मालगाड़ी पे, ट्रेनों पे। और ट्रेन कहाँ तक जाती है, एक ट्रेन 80% ट्रेन जाती है गुवाहाटी और गुवाहाटी से ट्रकों पर लोड के पूरे ऑल पहाड़ों पे
चेरा पूंजी भी ये कहते हैं, चेरा पूंजी भी स्टेट है, वो मेघालय में आता है, उसकी राजधानी है चेरा पूंजी, जहाँ 24 घंटा बारिश होती रहती है। हम वहाँ भी गए हैं और वहाँ की सड़कें जो है, वहाँ कारें चलती हैं, आपको 200 मीटर भी स्टेट सड़क नहीं मिलेगी मेघालय में, और वहाँ 24 घंटे बारिश होती रहती है। क्या हमारे भारत की प्रकृति है, क्या नेचर है। तो भारत भारत भगवान भारत भगवानों का देश है। तो इस देश में जब भगवान के देश में जब ऐसे ऐसे मौसम नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे दोस्तों। पूरी दुनिया में इकलौता एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं, 4 मौसम और 36 क्लाइमेट हर घंटे चेंज होने वाले इस भारत, जो धरती माँ का सबसे प्यारा बेटा है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बता दूँ, तो ये टाटा मोटर की बात कर रहे थे, एक साल के बाद 2000 होगा और 2025 में ये आपको मालामाल कर देगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।